पूरा चमत्कार हो रहा दादा, चमत्कार, बढ़िया। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। और आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे हो तब हम लोग 9 लाख फैमिली मेंबर्स हिट कर चुके हैं। आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का फुल पावर वाला पूरा सीन है जिससे मुसाफिर यहाँ तक पहुँचा है, और बहुत जल्दी 1 मिलियन हिट करेंगे। तो भाई आज की कौन सी गाड़ी रहने वाली है? आज की गाड़ी है न्यू वाली स्विफ्ट। तो न्यू वाली स्विफ्ट के बारे में भैया ने आप लोगों को एक वीडियो पूरा इंटीरियर के साथ, सीट कवर के साथ दिखा दिया था। लेकिन हमारे एक भाई है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। क्या नाम है भाई? विक्रम। विक्रम भाई हमारे यहाँ कहाँ से आए हो भाई? जोधपुर से आए, और स्पेशली जो है ना भाई अपना इंटीरियर और सारी पूरी गाड़ी जो है ना मेरे को दिखाने के लिए आ रखे थे। भाई गाड़ी से वैसे खुश है, लेकिन भाई को लगा कि भाई जो इंटीरियर है उसमें कहीं ना कहीं इनके साथ धोखा हुआ है। ऐसा हुआ है? बहुत बड़ा धोखा हुआ है, इन्होंने मेरे को बोला है। कल रात को हम लोग मिले थे, सुबह मैंने बोला भैया कि भाई मैं आऊँगा, लेकिन आनी भाई रात को आया हूँ। तो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कैसा इंटीरियर है। मेरे को इंटीरियर बुरा नहीं लगा है, लेकिन इन्होंने कहा कि जिस प्राइसिंग में इनको मिला है उसमें ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। तो भाई आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, उसी के साथ में भाई के साथ भाई के दोस्त भी आए। क्या नाम है भाई आपका? निशांत। सुशांत भाई, सुशांत भाई भी हमारे साथ है, और चमत्कार भैया तो हमारे साथ है ही। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। आज की गाड़ी में जो आप देखोगे होते हुए थोड़ा अपग्रेडेशन है, क्योंकि अभी तक कोई वीडियो नहीं आई है जिसमें हेडलाइट चेंज की हो नई वाली स्विफ्ट की। तो आज नई वाली हेडलाइट बिल्कुल आपको दिखाएंगे कैसे दिखने में, क्या क्या चीज़ें चेंज करते हैं, कैसा इंटीरियर बनता है। आप लोगों को अपडेट कर रहे हैं, उसको भी सिस्टम भी अपडेट करेंगे। तो करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, आपको आज की वीडियो में सबसे स्टार्टिंग में सबसे मेन पॉइंट जो है भाई वो है आप लोगों के लिए फाइनली लाइट्स आ चुकी है। अगर आप लोगों के पास न्यू स्विफ्ट है, आप लोग लाइट अपग्रेड करना चाहते हो, सेम बिल्कुल जैसा क्रेटा में आप लोगों को लाइटिंग का ऑप्शन मिलता है, तो आपको स्विफ्ट के अंदर भी ये ऑप्शन मिलने वाला है। सो लाइटिंग कंसोल दिखाया था, एक तरफ की लाइट हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी है। अब भाई सारे बहुत सारे होंगे जो कहेंगे कि नहीं भाई इसमें वायर की कटिंग होती है, तो भाई पीछे एक बार आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। सब कुछ कपलर टू कपलर होता है भाई, बाकी आपको लगा के दिखा देगा। इसी के साथ में भाई एक बार आगे की साइड में और दिखाओ। तो गाइस इसके अंदर जो सबसे डिफरेंट लेवल की चीज़ है, कह सकते हैं एक प्लस पॉइंट है भाई, दो ट्यूब आप लोगों को मिलती है, एक आपकी DRL की काम करेगी और एक काम करेगी आप लोगों की इंडिकेटर की। ऊपर वाली जो आपकी इंडिकेटर का काम करती है, नीचे वाली आपकी DRL रहती है। लुक काफ़ी एक कह सकते हैं फैसिनेटिंग है। इसी के साथ में जैसा आप लोगों को हमेशा एक चीज़ बताता हूँ मैं, तो इससे पहले जितने भी लॉट आ रहे थे वो आ रहे थे मेड इन चाइना वाले, ठीक है। जो लॉट मैंने चेक करे थे वो मेड इन चाइना वाले थे, ये वाले मेड इन ताइवान के आने स्टार्ट हो गए हैं। और अगर आप ऐसे कोई भी गूगल में जाके सर्च करता है स्टाइल इन कंपनी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये ताइवान कंपनी है। तो इन्होंने जो है अपना कह सकते हैं ताइवान में काफ़ी अच्छा इनका नाम है। अगर आप लोग लाइटिंग परचेज करते हैं तो आपको इस बारी ताइवान की लाइट मिलने वाली है। अगेन चाइनीज़ लाइट बुरी नहीं है, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसमें दो क्वालिटी जो आ रही है, ताइवान वाली सक्सेस है, लेकिन चाइनीज़ वाले में भी कोई इशू नहीं है। भाई एक बार इंस्टॉल करके दिखा दो कैसे इंस्टॉल करोगे। तो जो आप लोगों का कपलर वाला है मेन सीन, आप लोगों ने कपलर ही देखना है, देख लो एक बारी कपलर टू कपलर, ये कपलर टू कपलर है। बाकी जितने तारे हैं वो इंडिकेटर और DRL यानी कि लाइटिंग का कंसोल। तो इग्निशन के साथ किया है ना DRL वाला? नहीं पार्किंग का, भैया बताएंगे तो इग्निशन के साथ करें। इग्निशन के साथ करें या पार्किंग के साथ करें? जो आपको अच्छा लगे, जो अच्छा लगे। तो एक काम करो आप इग्निशन के साथ कर दो, है ना, पार्किंग के साथ में मजा नहीं आता मेरे को, इग्निशन के साथ में थोड़ा मजा रहता है। तो इंडिकेटर भी आपको चला के दिखाऊंगा, तो भाई को एक बार क्विक फिक्स करने देते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो इट्स टाइम कि मैं आप लोगों को दिखा दूं, पूरी फिटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों को दो तरीके के ऑप्शन मिलते हैं, एक तो आपको फ्लोटिंग इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, अगर फ्लोटिंग वाला नहीं कराना, दूसरा वाला क्या होता है, ब्लिंक करता रहेगा वो। तो भाई आसपास बुलेट की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। बाकी एक बार DRL चेक कर लो कैसे लग रहे हैं। इसी के साथ में नीचे अगर आप लोग आ जाते हो फॉग लाइट की साइड में, तो गाइस देख लो IPS जो है करोलबाग की मार्केट में बिल्कुल आग की स्पीड से बिक रहा है, और इसमें कोई भी कॉपी नहीं चल रहा है। अगेन हेला का मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा। सी शेप जो आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग इंडिकेटर बंद कर देते हैं तो ये भी आप लोगों को वाइट कलर की दिखेगी। एक तरीके से कह सकते हैं पूरा एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप में से कोई भी गेस कर पा रहा है कौन सी गाड़ी है जो मर्सिडीज की आती है जिसका सेम ऐसे लाइटिंग लुक होता है, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। बाकी आप लोगों को फौरन आइडिया मैंने बता दिया है। जहाँ तक बात है भाई के गाड़ी का लुक कैसा है, तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई गाड़ी का पहले इंटीरियर कैसा है, उसके बाद आएंगे बाहर की तरफ। इट्स टाइम कि आप लोगों को भाई के गाड़ी का इंटीरियर दिखा दूँ। तो आप लोगों को बताता हूँ, भाई ने जयपुर से काम कराया था पूरा इंटीरियर का, जो भी आप पूरा लाल रंग देख रहे हो इसमें। सो ये जो है ये कपड़ा नहीं है, ये फुली पेंट किया गया है। जहाँ तक क्वालिटी के बारे में बात है, क्वालिटी फाइन है, ऐसा नहीं कहूँगा कोई बुरी क्वालिटी है, लेकिन मैं हमेशा से पसंद करता हूँ कि भाई गाड़ी में जितना अच्छा ज़्यादा कपड़ा लगाओ उतना अच्छा है। लेकिन स्टिल सिटिंग जो पूरा कंफर्ट है वो बिल्कुल होगा, क्योंकि बकेट फिट बिल्कुल बढ़िया वाली है। जहाँ तक कलर कॉम्बिनेशन की बात है, कलर कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन मुझको ये नहीं समझ आया कि ये प्लास्टिक वाला क्यों इसमें लगाया गया है, क्योंकि प्लास्टिक वाले में बिल्कुल दम नहीं है। अगर इसी की जगह में लक्कड़ वाला, उसको सही तरीके से डिज़ाइन करके लगाया गया होता, ऑल दो इसका डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल सिटिंग के साथ परफेक्ट आएगा, लेकिन भाई
मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि इसकी बिल्कुल भी लाइफ नहीं है और ये चलने लायक बिल्कुल नहीं है। तो भाई एक बार आ जाओ अंदर। तो भाई थोड़ा सा मेरे को बताओ कि कितना आप लोगों को पूरा ये कॉस्ट किया जो आप लोगों ने पूरा करवाया काम, सीटिंग मतलब सीट से लेके ये इंटीरियर तक का। मैंने सर इंटीरियर लोन शीट 1,00,000 रुपए में। 1,00,000 रुपए में आपने सब कुछ कराया। गाइस एक बार रूफ भी देख लो, रूफ जो है कपड़े वाली है और भाई ने ये लाइट लगा रखी है जिससे ये पूरा एक तरीके से स्टारलाइट वाला चीज आ जाता है। देखो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि लगवानी हो लगवा लो, लेकिन इसको बिल्कुल ऊपर रखना क्योंकि अगर ये नीचे रहेगी तो ये डिस्टर्ब करती रहेगी और थोड़ा सा इशू आता रहेगा। तो भाई एक चीज़ और मेरे को बताओ, आपको क्या चीज़ बुरी लगी गाड़ी के अंदर जो आप मेरे को कह रहे थे कि यार मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ? मेरे को ना ये पेंटिंग थोड़ी खराब लग रही है। पेंटिंग खराब है? हाँ, जो पेंटिंग ये मैं मज़ा नहीं आया इसमें मज़ा नहीं आया और इसमें मज़ा नहीं आया मेरे को इसमें मज़ा नहीं आया। तो ये कितने टाइम में पेंट खराब हो गया जो आपने दिखाया अभी? सात दिन के अंदर ये दिक्कत आ गई है। और भाई इधर भी अगर आप लोग देखते हो तो इस तरफ वो दिक्कत नहीं आ रही है। तो आपने जिनसे करवाया था उनसे बात की है इस बारे में? बात की लेकिन वो बोले आओ मैं देखता हूँ वापस, बोले। तो गाइस देखो मैं इस वीडियो में उनका नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई ने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए इस सब चीजों में और भाई सेटिस्फाई नहीं है। बाकी यूट्यूब में कोई वीडियो है आपकी? इस कार की है। इस कार की है? किस नाम से है? प्रिक्स ऑटो नाम दे दो। प्रिक्स ऑटो। तो भाई आप लोग खुद जाके देख सकते हो। देखो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ लेकिन स्टिल फॉर आइडिया मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझा दी है। वहीं पर स्टेयरिंग के बारे में बात करोगे, स्टेयरिंग नो डाउट बहुत अच्छा बनाया है। जहाँ तक बात है पेंट के बारे में, पेंट की क्वालिटी अगर डैशबोर्ड के में देखते हो या फिर साइड के उसमें देखते हो क्वालिटी ओके है, लेकिन भाई ने मेरे को पर्सनली ये चीज़ आके बोली कि भाई मैं खुश नहीं हूँ। तो मैंने बोला यार क्यों ना मैं अपनी वीडियो के थ्रू आप लोगों तक भी इस चीज़ को पहुँचा दूँ। तो क्या मतलब अब क्या है लास्ट, आप क्या सोच रहे हो कि क्या करूंगा मैं अगर उसमें ठीक नहीं होता है? तो आपको पूछा था कुछ बताओ आइडिया बना दूंगा, वही आइडिया कुछ अभी हम आइडिया ढूंढ रहे हैं अगर उसका कुछ हो सके। वैसे गाइस उसमें हम फिक्स क्या कर सकते हैं, उसको हम रीपेंट ही करवाएंगे और जो है मोस्ट प्रॉब्ली मैं भाई को बता दूंगा कोई ना कोई फिक्स अगर बढ़िया होगा। बाकी गाइस आप लोगों को फॉर आइडिया मैंने यहाँ पर सब चीज़ें दिखा दी है। इसी के साथ में एंट्री करते ही वेलकम लाइट्स मिल जाएगी, नॉर्मल 70 मैट्स है। 70 मैट्स कहाँ से डलवाए? सब वही डाले थे, सब उन्होंने डाल के दिया। तो ये सब चीज़ें 1,00,000 रुपए के अंदर भी। तो भाई आप लोग देख लो 70 मैट्स है। और आपने मेरे को एक चीज कही थी कि उन्होंने ये बोला था कि करौल बाग की मार्केट में बेकार सामान मिलता है। तो भाई देखो यार ऐसा बोलना तो बिल्कुल गलत है क्योंकि जो पूरा हब है वो तो यही जगह है और अगर आप लोग हब में आके कोई चीज खरीदोगे तो भाई आपको बढ़िया मिलेगा। लेकिन स्टिल इस कमेंट के बारे में जो है इसके बारे में करेंगे भाई आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। इसी के साथ में ये पूरा वाइट किया हुआ है जो आप लोग देख पा रहे होंगे। नो डाउट कि अगर डिजाइनिंग वाइज आप मेरे से पूछोगे तो डिजाइनिंग वाइज अच्छा काम किया हुआ है, ऐसा नहीं कि बुरा काम है। लेकिन स्टिल जब भाई परेशान है, भाई ने मेरे को कहा, स्पेशली भाई ने अप्रोच किया था कि भाई आप प्लीज़ इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाओ, तो इसलिए मैंने भाई को ज्वाइन किया। बाकी देख लो भाई इधर भी आप लोगों को वाइट मिल जाएगा। फॉर अ टाइमिंग अगर आप लोगों को डिज़ाइन का कुछ भी एक आइडिया चाहिए तो आइडिया आप लोग देख सकते हो। पीछे की तरफ ले आता हूँ आप लोगों को, तो देख लो भाई। नो डाउट कि भाई देखो इंटीरियर का जो कलर चूज किया है वो बुरा नहीं है भाई, इंटीरियर का कलर तो बढ़िया लगा ना। कलर अच्छा, मतलब कोई कमी नहीं है उसमें। तो दो चार चीजों में कमी है और पैसे आपको ज्यादा लगे कम लगे? बहुत ज्यादा लगा। तो भाई देखो ये होता है एक ऑनेस्ट कस्टमर का बताना जो कि वीडियो में आके आप लोगों को बता रहे हैं। बाकी आईडी आप लोग खुद ले लो। और ऊपर देख लो भाई जो रूफ वाला सीन है ये भी ठीक है, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं लेकिन ठीक है, जो होना था वो तो हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, जो हम लोग आप लोगों को आज की वीडियो दिखाने वाले हैं वो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा दूँ। बाहर से जो गाड़ी को लुक दिया गया है वो पूरा मिनी कूपर टाइप है। एक बार आप देख लो, ये मिनी कूपर नहीं है, उसका केवल एक कह सकते हैं जो डिज़ाइन होता है उस डिज़ाइन को पूरा इसमें छापा गया है। इसी के साथ में जो चीज़ आप लोग आगे देख रहे हो, सो भाई अब इसकी लाइफ क्या रहती है ये तो यूसेज के बाद ही पता चलेगा जब इसको थोड़ा टाइम हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक फिनिशिंग के बारे में बात है तो फिनिशिंग में बिल्कुल कमी है जो कि आप क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देख लो यहाँ पर फिनिशिंग ठीक है, यहाँ पर नहीं है। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि भाई जब गाड़ी आपकी बाहर खड़ी होती है तो ये हल्की फुल्की चीज़ें आप लोगों को चेंज होती हुई ज़रूर दिखेगी। इसी के साथ में अगर आप लोग डिज़ाइन वाइज देखते हो तो ये इतना बड़ा है और इसका साइज़ इतना बड़ा है। अगर आप लोग सही तरीके से बिल्कुल एक एक चीज़ को बारीकी से देखते हो, क्योंकि मैं हमेशा हर चीज़ को बारीकी से देखता हूँ और उसमें जो फ्लॉ होता है फ्लॉ भी बताता हूँ, जो अच्छाई है वो भी बताता हूँ। तो ये नॉर्मल तरीके का एक चीज़ है जो कि मैं आप लोगों को बता सकता था। इसी के साथ में अगर रूफ की तरफ आ जाओगे तो भाई जो पूरा रूफ है ये पूरा रेड आता था, इसको वाइट लुक दिया गया है। अगेन ड्यूल टोन वाला जो लुक है इसके ऊपर मोस्ट प्रॉब्ली बहुत जल्दी चलान होना स्टार्ट होने वाला है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा कि अभी मत लगाओ, लेकिन इसके ऊपर चलान बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं क्योंकि ड्यूल टोन अगर आपकी गाड़ी में नहीं लिखा है तो चलान आपकी गाड़ी में 200% होगा ही होगा। इसी के साथ में जो आप लोगों के साइड मिरर्स है ये ब्लैक है, भाई ने जो है क्रोम इसमें लगाया था, क्रोम हटा दिया है साइड वाला जो है।
तो अब ये नॉर्मल आपका जो ब्लैक वाला होता है वही इसमें भाई ने लगवा दिया है। इसी के साथ में जो आप लोगों की गार्निश होती है, क्रोम गार्निश आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन व्हाइट कलर की गार्निश लगाई है जो कि मोस्ट प्रॉब्ली इसके ऊपर पेंट करके जो रबर वाला सीन होता है वो किया होगा, नहीं तो प्लेटिंग के ऊपर जो होता है एक तरीके का ट्रीटमेंट करा के आप लोग इसको लगा सकते हो। वहीं पर पीछे अगर आते हो तो आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर लो, कोई भी चीज़ आपको यहाँ चेंज होती नहीं दिखेगी। भाई ने दिल्ली में आते जो चीज़ करवाई थी भाई वो था कि सबसे पहला भाई ने लगवाया ये स्पॉइलर। तो भाई स्पॉइलर लगाने का मेन रीज़न जो था क्या भाई, गाड़ी का लुक बन जाता है। तो भाई स्पॉइलर लगने के बाद गाड़ी का कितना लुक बना? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, और ऐसा लगता है कि हाँ इस स्पॉइलर की वजह से गाड़ी का थोड़ा लुक और अच्छा बन गया है ना, ये चीज़ है। और भाई देख लो आगे, भाई एक बार डिपर मार के खा दे, भाई डिपर मार के खा दे, तो देख लो भाई ये डिपर का रिस्पॉन्स है। बाकी आप लोगों को नाइट का पूरा एक मोड मैं दिखा दूंगा। इसी के साथ में डिक्की वाला जो है, तो भाई ये देखो, ये जो आप लोग देख रहे हो थोड़ी मिट्टी इसके ऊपर है, तो ये एक तरीके का आप लोगों को ऑप्शन मिलता है जिसमें पूरी किट आती है। कितने पार्ट की किट थी ये? चार पार्ट की थी, मैंने दो पार्ट की लगाई। दो पार्ट की आपने लगाई है, तो भाई एक बार आप लोग चेकआउट कर लो। अगेन इसमें अगर आप लोग टेपिंग करवाना चाहो टेपिंग का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये जो आप लोग चढ़ा हुआ देख रहे हो ये एक केमिकल ट्रीटमेंट से होता है, जिसके लिए अगर आपके पास स्पॉइलर पहले से है इस स्पॉइलर को आप दोगे तो वो ट्रीटमेंट कर देते हैं। मैट करवाना चाहो फुल मैट भी हो सकता है, फुल ग्लॉसी भी हो सकता है, वो आपके यूसेज के ऊपर है कि आपको कैसा चाहिए। बाकी जो आप लोगों को लुक हो सकता था वो दिखा दिया है। तो भाई जहाँ तक बात है स्विफ्ट की, जो अपनी टेल लाइट है इसका भी अपडेट आने वाला है आफ्टर मार्केट में, जो कि बहुत जल्दी आएगा। तो भाई एक बारी बैक गियर लगा के दिखाइयो, लगा दो। तो गाइस देखो भाई ने जो इसमें एक चीज़ कराई है, भाई ने पीछे ये एलईडी लाइट डलवा दी है, क्योंकि अगर आप लोग सेम गाड़ी में करवाना चाहते हो तो आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप लोग करा सकते हो। वहीं पर जो स्टिकरिंग पूरी आगे से होती हुई आ रही थी, या फिर आप कह सकते हैं कि हाँ भाई एक गाड़ी को जो लुक दे रही थी पूरा आगे से मिनी कूपर वाला, ये पीछे तक भी आ जाता है। तो अगर आप पीछे की साइड में देखते हो तो योला साइड अभी भी थोड़ा सा बड़ा है अगर आप इससे कंपैरिजन करते हो, क्या पता ये स्टाइल के लिए किया हो, लेकिन थोड़ा सा ऑड लग रहा था क्योंकि उसमें राइट साइड में था और इसमें लेफ्ट साइड में है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो है ये कोई एरर ही है या दिक्कत जो है ये हो सकती है इसी के साथ में। और गाइस इसी के साथ में अगर आप लोग लगवाना चाहते हो गाड़ी में अपना डिफ्यूज़र, जो कि एक लुक बनाता है, जो आप लोगों के लुक दिख रहा है ये पूरा ABS का बना होता है, और इसको एक बार आप लोग लगा के फिट करा लो। जैसे ही आपकी गाड़ी एक बार हिट होगी मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस होते हैं कि ये टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि ये ABS है। लेकिन स्टिल अगर एक लुक के लिए आप लोगों को कुछ लगाना है तो आपके पास एक बढ़िया वाली चॉइस मिलने वाली। सो गाइस जहाँ तक बात है एलॉय के बारे में, तो भाई ने एलॉय भी यहाँ पर इंस्टॉल किया है। अगेन भाई को जो चीज़ नहीं करवानी चाहिए थी लेकिन भाई ने करवा दी है, भाई ने लगवाया है चाइनीज टायर। तो भाई एक बार टायर आप लोग देख लो, भाई ने लाइटिंग भी आप लोगों को दिखा दी है। तो भाई कितने रुपये कॉस्ट किए इन सब चीज़ों ने? टायर और इसका 47,000 लगा मेरा। 47,000। तो भाई देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कम है या ज़्यादा है, लेकिन स्टिल अगर आप लोग मेरी तरफ से रिकमेंडेशन लेते हो भाई, डोंट गो फॉर एनी चाइनीज़ टायर्स, क्योंकि चाइनीज़ टायर की लाइफ का जो सबसे बड़ा चीज़ पर चलता है ना वो यहाँ से पर चलता है। जब भी गाड़ी आपकी कभी भी अगर टायर बाई चांस फट गया तो वो यहाँ से फटेगा, क्योंकि यहाँ से चाइनीज़ टायर सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तो भाई चाइनीज़ टायर मत लगाना, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। एक बार साइड व्यू के उससे आपको दिखा देता हूँ कि कैसे दिखते हैं अलॉय। तो देखो कुछ डिफरेंट चीज़ भाई ने किया, क्योंकि पूरी गाड़ी जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त वाली ओवरलुक गाड़ी को दिया गया है। लेकिन स्टिल आप लोगों को एक आइडिया चाहिए था तो आइडिया आपको मिल गया। बाकी मोनू भाई अभी वेट कर रहे हैं अंदर गाड़ी के, कि गाड़ी के जो है गत्ते खुलने हैं। तो गाड़ी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे थे पहले वो मैं चेक करता हूँ, क्योंकि भाई ने मेरे को बोला था कि भाई आप एक बार चेक करो और बताओ कि कौन से कंपोनेंट बढ़िया है ना। तो भाई एक बार गत्ते खुलने देते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाया था, भाई ने गत्ता खोला है, यहाँ पर जो है ऑलरेडी डैम्पिंग हो रखी है STP की। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है कौन सी कंपनी है, मैं आप लोगों को अभी भी रिकमेंड करता हूँ गो फॉर पंक ऑडियो आज के टाइम पे जो एक अच्छी आ रही है। और ये देखो ये है डैम्पिंग, ये है डैम्पिंग की क्वालिटी जो कि हाथों से निकल रही है मेरे। तो इसके बारे में जितना मैं आप लोगों को बता सकता हूँ मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया है। गाइस डैम्पिंग लगवानी है, वाइट डैम्पिंग भी मार्केट में आ चुकी है। वाइट डैम्पिंग का फ़ायदा क्या है, ब्लैक से ज़्यादा अच्छी स्ट्रेचेबिलिटी है और बहुत टाइम तक स्टिक रहता है। देखिए इधर से कैसे हिल रहा है, यहाँ से पूरा निकल रहा है, यहाँ से पूरा निकल रहा है, पूरा निकल गया। अंदर किया भी नहीं है, बार बार देखो अंदर तो डैम्पिंग भी नहीं है। तो भाई इसके बारे में नो कमेंट। इसके हटके एक चीज़ और दिखा देता हूँ आप लोगों को, भाई कौन सा लगा हुआ है स्पीकर? ग्राउंड जीरो का लगा हुआ है, नो डाउट बहुत अच्छा है। लेकिन कौन सा लगा हुआ है क्रॉसओवर? फोकल का लगा हुआ है। और ट्विटर कौन से लगे हुए? JVC के ट्विटर है। तो गाइस इसके बारे में जितना मैं आप लोगों को एक रफ आइडिया दे सकता हूँ या अपने आप समझा सकता हूँ आप लोगों को समझा दिया है। अब देखो यही चीज़ का फर्क है, अगर आप लोग काम करवाने जा रहे हो अपने सामने काम नहीं करवाओगे तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को होती हुई दिखेगी, जो कि बहुत नॉर्मल है। मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, लेकिन स्टिल भाई आप लोगों को बताना एक चीज़ बिल्कुल फ़र्ज बनता है। और भाई से भी एक बार मैं पूछूंगा कि उनका कैसा लगा, भाई क्या कहना है इसके बारे में? मजा नहीं आया ये बताओ, ये जो तीन चार तरीके का मिक्सचर लगा हुआ इसका क्या कहना है?
बेवकूफ बना दिया ना। तो भाई देखो हर चीज आप सीखते हो, देखो डैम्पिंग ऐसी उतर रही है। तो भाई ये है रियल क्वालिटी और अब हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, लेट्स सी कि सब कुछ कैसा रहता है। सो गाइस एक लाइट थी जो कि मैंने अपनी स्विफ्ट में डलवाई थी, जिसके बारे में कोई भी वीडियो नहीं आई है। तो आप लोगों ने देखा होगा यूजली स्पॉइलर लाइट जो है लोग लगवाते हैं, तो जैसा i20 में लगा था सेम, तो मेरी स्विफ्ट में भी लगा हुआ, लेकिन वो मैंने दिखाया नहीं है आप लोगों को। तो वैसी लाइट अभी लग रही है, प्राइम राइम में लगाया जाएगा, पूरी तरीके से रेडी होगा। कैसे लाइट लगने के बाद लगती है आपको जरूर दिखाऊं। तो गाइज इट्स टाइम कि आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग कर दूं एक बहुत जबरदस्त वाले प्रोडक्ट की। तो आप लोगों को बताया था जितने भी रॉकफोर्ड के लवर है भाई, उन लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि पावर T1 हम लोग डालने वाले हैं। सो भाई जिन जिनको पता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जिन जिनका लव है भाई रॉकफोर्ड पंच, तो रॉकफोर्ड पंच जो है अरेंज नहीं हो पाया, नहीं तो वही डलता है, वो अरेंज नहीं हो पाया, कापा अरेंज हो चुका था, लेकिन हमने बोला कि भाई इसको लगवा के जरा आपको रिस्पॉन्स दिखाया जाए। और भाई ओरिजिनलिटी जो आप कहते हो ना कि हाँ भाई हमें ओरिजिनल पीस चाहिए, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। वारंटी आप लोगों को सब कुछ यहाँ से मिल जाएगी, एक बार दिखा दो। वारंटी कार्ड पे मॉडल नंबर सीरियल नंबर दोनों होगा, देख लो। और गारंटी इसकी होगी रिप्लेसमेंट की होती है इसमें। तो भाई जो लोग कहते हैं ना कि हम रिपेयर करके देंगे, भाई रिप्लेसमेंट वारंटी इसमें मिलती है। आप लोग जो है सबसे बड़ी चीज जो है ना भाई, जो ट्विटर की प्लेसमेंट होगी ना वो इतनी परफेक्ट आती है, मैंने एक चीज देखा है कि नॉर्मल वालों से हटके, और एक बार क्रॉस ओवर चेक कर लो बिल्कुल परफेक्ट। और आप लोगों को लिटरली ऐसा लग रहा होगा कि भाई इतनी बड़ी सी चीज क्या लगने वाली है, लेकिन जब ये लग जाएगा और जो आपको रिस्पांस आएगा बहुत जबरदस्त होता है। और एक बार आप लोग ट्विटर चेक, छोटा है लेकिन बहुत पावर है इसके अंदर, अभी देखना चमत्कार। हाँ चमत्कार आएगा बहुत जबरदस्त वाला। एक बार जरा पूरा कंसोल उठा दो और मेरे को एक कॉम्पोनेंट दिखाओ। तो गाइस आप लोगों में से किसी को भी अगर रिकमेंडेशन वाइज अच्छा पैसा लगा के अच्छा कोई कॉम्पोनेंट चाहिए तो गो फॉर पावर। मेरा रिकमेंडेशन जो आपकी तरफ से, अगर आपका थोड़ा बजट कम है, कापा के लिए जाओ। अगर आवाज़ के शौकीन हो, अगेन अगर आवाज़ के शौकीन हो तो भाई कापा के लिए जाओ। एक बार दिखा दो। तो देखो भाई ओरिजिनलिटी एक तरीका और है पता लगाने का, पकड़ो इसको एक बारी। तो यहाँ पर हमेशा एक कोड आप लोगों को मिलेगा, जो कि कोड अलग से रॉकफोर्ड जनरेट करता है, जो कि यहाँ से पता चल जाता है। देखो ये स्टिकरिंग तक JBL में कॉपी आना स्टार्ट हो गया था, है ना, लेकिन ये जो आपका ये कोड आता है ना यहाँ पर, तो ये बारकोड से सच्चाई और बुराई वाली चीज़ पता चल जाती है। तो आप लोगों को एक आइडिया मिल गया था, आप फिटिंग की तरफ जा रहे हैं, और आप लोगों को पूरा जब ये आवाज़ का एक पूरा माहौल बन जाएगा तब ज़रूर सुनाऊंगा। तो गाइस आप लोगों को एक बहुत छोटी सी और ज़बरदस्त वाली इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आप में से कई सारे दोस्त मेरे से पूछते हैं कि क्या एंड्रॉयड स्टीरियो लगाने के बाद, यानी कि एंड्रॉयड कंसोल लगाने के बाद आउटपुट हम लोगों को बहुत खतरनाक वाला मिल जाएगा। बहुत खतरनाक आउटपुट नहीं मिलता है, अनलेस एंड अंटिल आप लोग बढ़िया चीज के लिए जाते हो। बढ़िया से क्या कहने का मतलब है, पाइनियर सोनी इन सब के लिए जा रहे हो। सबसे बड़ा खेल है भाई बैंड का, इक्वलाइजर का। अगर इक्वलाइजर 16 इक्वलाइजर आप लोगों को पाइनियर में मिलते हैं तो आउटपुट अच्छा आता है। चाइनीज वाला या फिर एंड्रॉइड वाले में आउटपुट बुरा नहीं होता है, लेकिन कंपैरिजन करोगे पाइनियर से तो भाई पाइनियर हमेशा प्रायर है। बताने का मेरा काम है, बाकी आप लोग समझ सकते। इसके साथ में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ के जो है पूरा कंपोनेंट का काम हो चुका है। जो कंपोनेंट मैंने आप लोगों को दिखाए थे वो लग चुके हैं, पीछे की साइड में बिल्कुल परफेक्ट फिट हो चुके हैं। जहाँ तक बात है कि भाई क्या क्या कंपोनेंट इसके अंदर लगे हुए थे, तो भाई इस तरफ भी मिसिंग थी और पीछे की तरफ कंपनी वाले ही लगे हुए थे। तो भाई बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था, लेकिन कोई बात नहीं, भाई ने मेरे को कहा कि आप वन ऑफ द बेस्ट चीज़ हमें लगा के दो। तो भाई देखो हम एक नया वाला जो है 4 चैनल ट्राई कर रहे हैं, जो कि VEH है। लेट्स सी कि इसका रिस्पांस कैसा रहता है, अगर कुछ खराब भी आएगा तो आपको रिस्पांस जरूर बताऊंगा। तो भाई जो है कंपोनेंट लग चुके हैं, आवाज़ मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। इसी के साथ में कुछ डिफरेंट लेवल की लाइटें भाई यहाँ पर लगा रहा है, तो आप देख सकते हो भाई एक बार लाइटें लग जाती है तब मैं इसका रिस्पांस आपको दिखाता हूं। एक बार लाइट दिखा मोनू। हाँ ये लाइट है, एक बार पकड़े दिखाई वाली लाइट। तो ये लाइट है भाई, और ये बेसिकली जो है नीचे को इन लाइट करने के, यानी कि आप गाड़ी चला रहे हो तो नीचे थोड़ी सी लाइट वाइट चमके, तो ये उसके लिए। बाकी लगने के बाद कैसा दिखेगा आपको बता दूंगा। तो मोनू भाई कितने देर का काम रह गया कंपोनेंट का? कंपोनेंट लग गया है, सिर्फ बेस ट्यूब लगाना है। बेस ट्यूब लगाना है, और वो जो हमने कस्टम बनाया है वही है ना? हाँ जी। तो भाई आप लोगों को एक बार ही दिखाता हूँ बेस ट्यूब कैसा देखने में। तो गाइस हम लोग जो वायरिंग किट डाल रहे हैं, आप लोगों को बताया था एप्पल ऑडियो की है और 8 गेज की ये होती है। आप लोगों को फॉर आइडिया बताया था, हर रोज एक ही चीज बताऊंगा तो आप लोग भी बोर हो जाते हो। तो मैं आपके लिए नए नए ब्रांड लेके आता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया अच्छी तरीके से मिल जाए। तो भाई ने जो है 2 GB वाला तो नहीं डलवाया, 1 GB वाला जो उनका लगा हुआ था वही लगाया हुआ है। तो 1 GB में दम है वो 2 GB वाला? नहीं, चमत्कार नहीं है उसमें। चमत्कार नहीं है ना, मतलब हैंग भी मारता है। हैंग मार ही रहा है ना। हाँ हैंग मार ही रहा है, लेकिन भाई ने बोला कि जरूरत नहीं है, और भाई बाकी जो चॉइस हो सकती थी वो कर दी है। भाई जल्दी से पेटी दिखा दो वूफर वाली, एक बार लोगों को जरा पेटी दिखाए थे पहले। सो गाइस इसके बाद हमारी पेटी आ चुकी है यहाँ पर। एक बार पेटी खोल रहे भैया, अनबॉक्सिंग चल रही है पेटी की यहाँ पर। और भाई बहुत मोटा लक्कड़ होता है इसके अंदर, जिससे वाइब्रेशन और कुछ भी आवाज वाला सीन आपको सुनाई नहीं देगा। तो भाई ताकत दिखाओ भैया अपनी, ताकत ही ताकत है, दिखा दो एक बार खोल के। तो एक बार दिखा दो, देखो बिल्कुल परफेक्ट। तो भाई दमदार चीज़ है, दमदार।
बिल्कुल, इसमें कटिंग यहाँ पर पूरी आपको पहले से मिलती है, बस इसी को कटिंग करके पूरा बैठाना होगा। और भाई बिल्कुल दमदार है, जब इसको लगाएंगे तब आप लोगों को और बता दूंगा। तो भैया एक चीज़ बताओ, अगर किसी को अवेलेबल कराना है तो कितनी देर में अवेलेबल हो जाता है ये? 10 मिनट में। 10 मिनट में आ जाएगा? हाँ। तो भाई टेंशन की बात नहीं, रात को अगर 11 बजे भी आ रहे हो तो मिल जाएगा। बट एक बार 8 बजे फोन करो, हाँ, अगर आपको ये लगवाना है। हाँ, चाहे 11-12 बजे आओ, आपको काम होता हो मिल जाएगा, लेकिन सब चीज़ें आप लोगों को पूरी फिक्स मिलेगी। देख लो यहाँ पर आउटलेट दिया हुआ है, पूरा यहाँ पर डलेगा आपका सबवूफर और ये हो जाएगा ओके। गाइस, तो इसके बाद मैं आपको हाई लो कन्वर्टर दिखाया था। देखो अगर ऐसे कोई स्टीरियो लगाते हो या कंपनी वाले लगाते हो तो उनमें हाई लो कन्वर्टर लगाना पड़ता है, और रॉकफोर्ड का ही हमने लगाया है। भाई दमदार लग रहे हैं ये, भारी भारी भी है ये, JBL वाले से ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, उससे ऊपर का ही है ना। भाई देख लो, आपको नई नई चीजें दिखा रहा हूँ मार्केट में जो आ रही है। देखो पुराना हो गया वो JBL, अब नया कुछ आप लोगों को लगा के। तो भाई जो पहले लगा हुआ था वो कनेक्ट एक्स वाला ये इस टाइप का था, तो इसमें ज्यादा आउटपुट खास नहीं था, तो इसलिए इसको हटवा दिया है और बढ़िया वाला लगा। सो गाइस, भाई को मैंने बहुत बार मना किया लेकिन भाई ने फिर भी जाकर ये ग्रिल लगवा ली है। आप लोगों ने नीचे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को ग्रिल कैसी लगी। ऑल द लुक वाइज ये अच्छी है, लेकिन इसके अंदर भाई ने एक बढ़िया चीज लगाई। एक बार दिखाओ, ये जल रही है लाइट है, और इसका रिमोट ये है, इग्निशन के साथ दिया गया इसको। हाँ। इग्निशन के साथ दिया हुआ है और चेंज भी होता रहता है। देखो भाई, ये भाई यहाँ से दबा रहे हैं बटन। तो गाइस आप लोग हमेशा पूछते हो कि वायरिंग कहाँ से छुपा के निकालते हैं, तो ये पूरी साइड से छुपते हुए वायर यहाँ निकलती है। इसके ऊपर अपना ये लग जाता है जो कि ऑलरेडी पेंटेड है, और बिल्कुल ये ओके रिपोर्ट हो जाती है। गाइस आप लोगों को बता देता हूँ, जो पेटी आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगा उसके अंदर जाने वाले हैं ये दोनों वूफर। और भाई कौन से, एक बार आगे से दिखा देते हैं पहले लोगों को। तो ये सोनी के है XSNW1200O2, और ये है आपके 1800 वाट के। भाई कैसा रिस्पॉन्स आएगा इसका, जबरदस्त आएगा भाई, मजा आ जाएगा। एक बार खोल के दिखा दे भाई कैसे दिखता है अंदर से। तो भाई देखो, अच्छी चीज़ लगवाओगे तो लॉन्ग टर्म चलती है। और देख लो, सबसे स्टार्टिंग में आप लोगों को चीज़ दिखा देता हूँ, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन और आप लोगों की जो वैलिडिटी है वो सब चीज़ें आप लोगों इसमें शो हो जाएगी। और इसी के साथ साथ में यहाँ पर आप लोगों का वारंटी भी आपको पूरा मिल जाएगा। तो सब बूफर वाला जो सीन है उसकी पूरा मैनुअल आपको यहाँ मिल जाता है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एक बार खोल के दिखाओ भाई इसको, तो पूरा देखो पैकेजिंग में आता है, बढ़िया वाली पैकेजिंग में। इसको खोल के दिखाते हैं एक बार। सो गाइस, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और सोनी एक्सप्लोड अपने हर टाइम से इसने बिल्कुल मार्केट में आग लगाई है। बाकी इसका कैसा रिस्पॉन्स आएगा, आप लोगों ने जितनी भी इन्फिनिटी की पेटियाँ सुनी है या फिर आपने रॉकफोर्ड की कोई पेटी सुनी है, उससे जबरदस्त इसका रिस्पॉन्स आएगा। देखो बोलने से कुछ नहीं होगा, इसको सीधे जब ये लग रहा होगा तब मैं आपको दिखाता हूं। गाइस हम लोग जो है अभी एक चीज़ सोच रहे हैं कि ये सी शेप्ड वाला, भाई ने बोला कि भाई को मज़ा नहीं आ रहा देख के, तो इसको हम लोग करने वाले हैं थोड़ा सा चेंज। तो आप लोगों को जैसा कंपनी में बिल्कुल मिलता है वैसा ही हम लोग लगाने वाले हैं, और लगने के बाद कैसा लगेगा आप लोग कमेंट करके बताना। ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है DRL और इंडिकेटर वाला, लेकिन अब लगाएंगे ये वाला, तो लेट्स सी कि कैसा लगने के बाद लगता है। गाइस यहां पर लग चुकी है DRL, और एक बारी लुक चेकआउट कर लो, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। देखो वो लग रहा था बहुत ज्यादा मेसी क्योंकि सी शेप था, बहुत कॉमन था, ये एलिगेंट और एक बढ़िया लगता है। तो इसमें दो तरीके के ऑप्शन भी दिखाओ एक बारी, तेज वाला है और ये कम वाला है। ठीक है, देखो तेज और कम वाला, तो मैंने आप लोगों को एक आइडिया दे दिया। बाकी भाई इंडिकेटर वाला चेकआउट करो, तो देखो गाइस इंडिकेटर वाला ये ब्लिंक होगा ना भैया, ये पूरा ब्लिंक होगा, अभी आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा ब्लिंक होता हुआ, लेकिन बताना जरूर कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा। सो गाइस एक बार यहाँ पर चेकआउट कर लो, यहाँ पर पूरी वायरिंग हो रही है जो हमारे सब वूफर की है, उसके बिल्कुल परफेक्ट वायरिंग जो पीछे से पूरी की पूरी आप लोगों को दिख जाएगी यहाँ पर देख लो, और आगे से आ रही है सारी सारी वायरिंग। तो भाई को एक बार फिट करने देते हैं, उसके बाद मैं आपको सीधा आवाज सुनाता हूँ। ओके गाइस, सो इट्स टाइम कि आप लोगों को मैं लाइटिंग सेटअप दिखा दूँ। भाई देख लो नीचे वाला लाइटिंग सेटअप चेक करो सबसे पहले। सो यहाँ पर पूरी लाइटिंग लगी हुई है गाइस, ये लाइटिंग जो है बहुत टाइम पहले आया करती थी, और अभी भाई ने रिक्वेस्ट की तो भाई की गाड़ी में लगा के दिखा दिया। तो आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर लो। सो इसमें चांसेस रहते हैं कि बाई चांस कभी भी गाड़ी अगर कहीं से टकराई, नीचे से अगर ज़्यादा टकराती है तो भाई चांसेस होते हैं कि फूट जाए। इसी के साथ में लाइट है जिसमें पूरा जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ से एमिट होता है। एक बार आप लोग देख लो, जैसे आप लोग हाईवे में अगर ड्राइव कर रहे हो तो ये पूरा परफेक्ट आपको बनता दिखेगा। पीछे से जो आ रहा है एक तरीके से ये हैजार्ड लाइट का भी काम करता है, यानी कि बाई चांस कभी फॉगी लाइट है और पीछे से कोई बंदा आ रहा है तो उसको हेल्प मिल जाएगी कि आपके बारे में पता चल जाएगा कि गाड़ी के साथ कोई बंदा चल रहा है। बाकी लाइटिंग जो है नीचे वाली पूरी परफेक्ट है भाई, एक बार चेकआउट कर लो, जितने अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। तो इसको आप लोग स्टेबल भी कर सकते हो, एक कलर चाहो एक कलर भी कर सकते हो। और यहाँ पर देख लो भाई पूरा ब्लिंक ब्लिंक सब कुछ हो रहा है। तो इसका कहाँ पर लगाया हुआ बॉक्स, तो इसका बॉक्स जो है भाई वो ये रहा, ठीक है, इसका बॉक्स यहाँ दिया हुआ, इसी को अंदर ही छुपा देंगे और बिल्कुल ये परफेक्टली काम करेगी भाई। बाकी आप लोग देख लो लाइटिंग और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को लाइटिंग कैसी लगी। तो गाइस आप लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जो HID हम लोगों ने इसमें डाली है ऊपर और नीचे दोनों 4300 केल्विन डाली हुई है, रिस्पॉन्स आप लोग चेकआउट कर लो। इसी के साथ में जो नीचे वाली पूरा है तो DRS देख लो एक बार आप लोगों को कैसा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में इंडिकेटर्स भी इसके अंदर ही इनबिल्ड वाला है, तो ऊपर जैसे फ्लोटिंग आ रहा है नीचे भी आप लोगों को दिख जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। इसी के साथ में जो लाइटिंग वाला सेटअप दिखाया था
जैसा साइड में जल रहा था पीछे जल रहा था आगे की साइड में बिल्कुल सेम रहेगा। और ये थोड़ा पुलिस वाला लुक दिया हुआ है जो कि मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन स्टिल अगर आप लोग लगवाना चाहो तो ये आपके ऊपर है, लेकिन अपनी साइड से रिकमेंडेड नहीं है। सो गाइस आप लोगों को स्टार लाइट का भी एक बार थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ से स्टार लाइट पूरी एमिट हो रही है क्योंकि यहाँ पर है। देखो इसको ज़्यादा नीचे रखोगे तो ये ज़्यादा आप लोगों को पूरा डिस्ट्रैक्ट करेगी, अगर इसको सही तरीके से रखोगे तो बढ़िया ओके रिपोर्ट रहती है। देखो इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, देखो अब पूरा स्टार लाइट वाला पूरा व्यू बन गया। और भाई ड्राइवर साइड के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है, अगर ये ज़्यादा नीचे है इसको ऊपर ही रहना चाहिए, इतना ऊपर ठीक है, ओके रिपोर्ट रहती है ऐसे और बढ़िया लगती है देखने में। सो गाइस इट्स टाइम कि आप लोगों को आउटपुट सुना दूं, क्या आउटपुट है। टाइम की आप लोगों को मैं एक बार आउटपुट चेक करा दूंगी क्या आउटपुट आने वाला है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। आई रियली डोंट नो कि रात को कैसा आप लोगों को आउटपुट दिख रहा होगा, लेकिन क्लोज व्यू में दिखा देता हूँ। सो नीचे चल रहे हैं परफेक्ट DRLs और ऊपर जो है आपकी फ्लोटिंग लाइट्स है, इसी के साथ में नीचे इंडिकेटर और DRLs आपको मिलते हैं, उसी के साथ में नीचे की लाइटिंग चेकआउट कर लो जिसको आप लोग स्टिल भी कर सकते हो। और इसी के साथ में भाई साइड के साथ साथ में इस साइड भी चेकआउट कर लो, कैसा लग रहा है रिस्पॉन्स जरूर कॉमेंट करके बताना। बाकी देख लो भाई एक नंबर का रिस्पांस आ रहा है। तो लाइटिंग चेक कराने वाला हूँ, भैया सामने खड़े थोड़ा साइड हो जाओ भैया, लोगों को चेक कराते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों की अभी जो लाइटें ऑन हो रही है वो दोनों ऑन हुई है, तो ये ऑन कर ऑफ कर दिया मैंने। तो अभी हेडलाइट का रिस्पांस चेक कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। ये आपका लो बीम है और ये आपका हाई बीम है, तो लो बीम और हाई बीम देख लो और ये देखो डिपर मारने के बाद। अब हम ऑन करने वाले हैं भाई यहाँ से अपने फॉग लैम्प, तो फॉग लैम्प हो चुके हैं ऑन। और रिस्पांस वाइज मेरे को बताओ कि कैसा रिस्पांस आ रहा है। फिर से यहाँ पर हम करते हैं हाई बीम लो बीम, और भाई पूरी मतलब रोड घेर के चल रहा है। और सामने से रिस्पांस दिखाता हूँ आप लोगों को, तो यहाँ देख लो पूरा गोले जो बनते हैं वो बन रहे हैं परफेक्ट वाले। और सामने से देखो कोई बंदा अगर गाड़ी को आते हुए देख रहा है तो उसको क्या लग रहा होगा कि भाई कौन सी गाड़ी है। और बिल्कुल परफेक्ट एयर लुक जो है, बिल्कुल एक स्लीक ज़बरदस्त, और मतलब ऐसे अगर कोई देख रहा है तो बता नहीं सकता कि ये स्विफ्ट है अनलेस एंटीलो साइड से आ जाए। इसी के साथ में जो लाइट मैंने आपको और दिखाई थी तो उसके बारे में बताता हूँ। तो ये साइड वाली लाइट चेकआउट करो जो यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रही थी ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे आप हाईवे में तेज चला रहे होंगे तो ये और पीछे तक खिंचती हुई दिखती है, जिसकी वजह से इसका लुक काफ़ी एलिगेंट बन जाता है। और भाई खुद देखो यार, खुद ऑब्जर्व करो और ज़रूर मेरे को कॉमेंट करके बताना है कि कैसा लगा। और अंदर की जो लाइट है देखो, ऊपर देखो पूरा चमत्कार हो रहा दादा, चमत्कार। सो इट्स टाइम कि इस वीडियो को एंड कर दिया जाए। तो रात के क्या टाइम हो रहा होगा भाई अभी, अराउंड 12 डॉट मतलब 12 ही बजे होंगे अभी, है ना। 12 बजे का थोड़ा टाइम है, एक बार टाइम देखो पहले। 12:03 हो गई भाई, 12:03 हो रहे हैं। देखो देख रहे हो, दिख रहा है, ठीक है, परफेक्ट दिख गया होगा। 12:03 का टाइम हो रहा है। तो गाइस अभी जाके गाड़ी का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, भाई ने जो है दो चीजों का रिकमेंडेशन कहा था कि भाई गाड़ी एक तो बढ़िया होनी चाहिए और गाड़ी में जो भी काम हो वो A1 होना चाहिए। तो भाई मजा आया,
और जो लोग कहते हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कहते हैं कि करोलबाग की मार्केट में नकली माल मिलता है, भाई आप अपने दुकान में या अपनी जगह में कहां से सामान लेके आते हो? या तो कश्मीरी गेट से लाओगे या करोलबाग से लाओगे, और कोई जगह नहीं है। है कोई जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो भाई बाकी तो हम लोग ज्यादा मुंह वाली बातों में यकीन नहीं रखते, क्योंकि काम करना ज्यादा अच्छी चीज है ना भाई। बिल्कुल भाई, बोलने से कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग तो अपना काम करते रहेंगे और ऐसे चलते। फुल मजा आया, फुल मजा आया, फुल मजा। और एक चीज और बताओ भाई, जो जो चीजें आपको दिखाई, जो हमने कंपोनेंट खोले, मतलब जो हमने गत्ता खोला और कंपोनेंट ऐसे निकले, तो तीन तीन डुप्लीकेट साउंड, अलग अलग वेरायटी के टुकल डुप्लीकेट, वो डुप्लीकेट, सारे डुप्लीकेट डुप्लीकेट था। और इंटीरियर के बारे में जो भाई ने कमी बताई वो तो बता दी थी आपको, इंटीरियर खराब था, पैसे ज्यादा लिए थे, तो भाई ने आपको 1,03,000 रुपए सब चीज आप लोगों को बता दिया। इसी के साथ भाई क्या पैसे स्पेंड किए होंगे भाई ने जो पूरे इन काम के लिए? भैया पूरे काम में जैसे हेडलाइट और फॉग लाइट, DRL, लाइटरिंग अंदर सब लगा के एक पेटी के आसपास का खर्चा आया। एक पेटी के अराउंड का खर्चा आप लोग के लिए आ जाएगा। आ रहे हो तो भाई अलग अलग रॉकफोर्ड, इसमें मजे, हमने मजा इसके अंदर आया ना कि भैया रॉकफोर्ड में जो अभी जो लेटेस्ट सीरीज आई है Power T1, हाँ। वो हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया और उसकी आवाज जबरदस्त है। मार्केट में अभी तक कोई भी वीडियो नहीं आई थी और भाई ने आप लोगों ने निकाल दिया है। तो गाड़ी का काम करवाना है और बिल्कुल रेस्टलेस नहीं होना है और बढ़िया सा काम कराना है। कहाँ पर आना है भाई? कृष्णा का श्रृंगार करोलबाग में आप आओ, ठीक है? और आने से पहले मेरे से लोकेशन ले लो, नहीं तो आप आराम से गूगल मैप पे डालो होटल आनंद करोलबाग, होटल आनंद करोल, अब्दुल अजीज रोड, होटल आनंद, और आप वहां तक पहुंच जाओगे। मेरी टोपी मेरे सर पे इसलिए नहीं है क्योंकि भैया को गिफ्ट हो चुकी है टोपी, तो भैया के पास आपको टोपी दिखेगी और दोनों भाई अगली वीडियोस में दोनों भाई जो है टोपियों के साथ दिखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, दो दिन में भी रुके हैं कल जाने वाले भाई ने बोला कि नहीं भाई आप काम कराना होगा, मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल आपका काम करवाएंगे और पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ भाई को हम लोग भेज रहे हैं। सो गाइस इसी के साथ आज की इस वीडियो को कर रहे हैं एंड। अगर किसी भी पॉइंट में इन्फॉर्मेटिव, बढ़िया, अच्छी, देखने लायक और लगाओ कि आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, तो वीडियो को बिना लाइक शेयर कमेंट किए बिना मत जाना। एक बहुत प्यारा सा नोट आप लोगों को दे देता हूं, गाड़ी का काम कराओ, कहीं से भी कराओ, मैं बिल्कुल आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन काम कराओ सोच समझ के, नॉलेज लेके, सामान के बारे में जान के, और जेन्युइन चीज ही लगवाना, क्योंकि बाहर की बहुत चीजें आती है जो कि अच्छी नहीं होती है, जो कि भाई को समझ ज्यादा आ चुका होगा, है ना? बहुत ज्यादा समझ आ चुका है। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक मुसाफिर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों को पता है मुसाफिर हिट करने वाला है 1,000,000। कृष्णा कार श्रृंगार के बाहर केक भी कट सकता है, बिल्कुल कटेगा, 1,000,000 में कटेगा भी, बटेगा भी, बटेगा भी, तो उसके बारे में अपडेट क्या रहेगा आप लोगों को जरूर बताऊंगा। इसी के साथ में गाइस अगर आप लोगों को लगता है कि मुसाफिर जो है वो आप लोगों को एंटरटेन कर सकता है और आप उसके बारे में और जानना चाहते हो, तो जाके मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करो, लिखो MUSAFIR 1711 यानी कि मुसाफिर 7811, फेसबुक में फॉलो करना है, लिखिए मुसाफिर आकाश जोशी। तो भाई हम जब भी वीडियो को एंड करते हैं तो हम लोग ये वाला अपना स्टाइल रखते हैं, ठीक है? सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय।